हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पटवाल जॉब अपडेट में। तो दोस्तों, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा जनपद चंपावत के द्वारा यहाँ पे एक वेटिंग लिस्ट जारी कर रखी है। जिस अभ्यर्थियों का भी सिलेक्शन हो रहा है उन सभी को शुभकामनाएं। तो यहाँ पे थोड़ी देर पहले सैंपल अपलोड हुआ है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा जो चंपावत में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें कहा गया है कि राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति थी 2018 बैकलॉग अभ्यर्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोडेड है। मतलब जो 2018 की भर्ती है, TT 20 वाली भर्ती, उसका ही रिजल्ट है। आप सभी को पता होगा प्रदेश में तीन भर्तियां चल रही है, 2018-19 बैकलॉग 2287 पदों के आपके, 2020-21 के आपकी 451 की। तो चंपावत में 451 का भी स्टार्ट हो चुका था, लेकिन ये 2018 बैकलॉग की वेटिंग लिस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कहा भी गया है विभाग के द्वारा कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा बागेश्वर, सॉरी यहाँ पे बागेश्वर के द्वारा चंपावत आना था, यहाँ पे विभाग की गलती है। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे बागेश्वर लिख रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, 2018 बैकलॉग सहायक अध्यापक प्राथमिक पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग दिनांक 12 अप्रैल 2022 को कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय जनपद चंपावत में सभागार में 11 बजे से निर्धारित की गई है। तो आपको 11 बजे यहाँ पे जाना है और 11 बजे से आपकी काउंसलिंग होगी। अब हम बात करते हैं वेटिंग लिस्ट की। इसमें लग 2010 2012 13-14 नंबर वाले अभ्यर्थियों का इसमें सिलेक्शन हो रखा है। TT 20 वाली भर्ती थी ये। ठीक है, आप सभी इस बात को जान लें। मैं जूम इन कर लेता हूँ। इसमें जो आपका पहला है अनुसूचित जाति अंग्रेजी में बिशन राम का सिलेक्शन हो रखा है, 2008 का इनका बियर है, TT के मार्क्स इनके 107। उसके बाद आपका है अनुसूचित जाति विज्ञान बीएड में माहेश्वरी और संदीप कुमार चौहान का सिलेक्शन हो रखा है। इनका जो बीएड ईयर है वो 2012 और 13 का बीएड है और इनके TT के मार्क्स यहाँ पे देखते हैं 94 और 94। उसके बाद अनुसूचित जाति सामान्य विषय में आपके दो सिलेक्शन और होशियार सिंह और कविता का, इनका बीएड ईयर है 2000 TT ईयर है 2018-19 और बीएड ईयर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दे रखा है। जो आपके ये दो हैं, ये सॉरी आपके डीएलएड वाले हैं, ठीक है, होशियार सिंह और कविता, इनका सिलेक्शन और का है, इनके डीएलएड के मार्क्स यहाँ पे दे रखे हैं। उसके बाद सामान्य विषय की यहाँ पे बात करें तो इसमें महेश कुमार टमटा, ज्योथना त्रुप्पा टमटा है, इनका जो बीएड ईयर है वो है 2010 2010। TT के मार्क्स लास्ट में देख सकते हैं आप, यहाँ पे TT के मार्क्स देख रहे हैं 115 और 126 26 सॉरी। उसका सामान्य विषय अंग्रेजी की बात करें तो यहाँ पे देखते हैं विजय पांडे का सिलेक्शन हो रखा है। ठीक है, इनका जो डीएलएड का प्रतिशत देख सकते हैं आप, वह है 75 और इनका जो टोटल यहाँ पे दे रखा है, आपके डीएलएड कैंडिडेट हैं। उसके बाद सामान्य विषय गणित में दो सिलेक्शन हो रखे, दीपक चंद्रन सारणिविष्ट, इनका बीएड ईयर है 2008 एंड 2011 का, 124 और 129 इनका मार्क्स हैं। उसके बाद आपका है सामान्य विषय में महेश चंद्र शर्मा और गुरविंदर सिंह, इनके ये डीएलएड वाले हैं दोनों के दोनों, दो यहाँ पे 2016 17 इनका डीएलएड है, इनके यहाँ पे डीएलएड के मार्क्स में यहाँ पे दे रखे हैं। तो आप भी इनका गुणांक चेक कर लें। ठीक है, ये 2018 TT बैकलॉग की भर्ती है आपकी। मैंने आपको बताया था बैकलॉग पदों की जो ये वेटिंग लिस्ट जो आ जा रही है, 451 का भी यहाँ पे आने वाला है, उसके बाद 2287 पदों पर भी यहाँ पे आने वाली है। तो जो गतिमान 2287 पदों की भर्ती भर गया है उसमें यहाँ पे 267 सीटें थी। ठीक है, बैकलॉग यहाँ पे लगभग कंप्लीट हो चुका है, ये लास्ट वेटिंग लिस्ट। अगर ये लोग यहाँ पे काउंसलिंग कराएंगे तो ठीक है, नहीं यहाँ फिर से एक वेटिंग लिस्ट आ सकती है, बाकी 451 का यहाँ फाइनल रिजल्ट आना है। ठीक है, उसका पर्यवेक्षण जा चुका है। तो ये थी चंपावत जिले की वेटिंग लिस्ट, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ जाकर आप इसमें जुड़ सकते हैं, वहाँ आप लिस्ट को प्रोवाइड कर दिया गया। साथ ही आप स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।